हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट टेस्टिस। टेस्टिस ए पेयर ऑफ पिंक एलिप्टिकल टेस्टिस इन एडल्ट मेल वर लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द बोथ लेग्स आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी। क्या बात कर रहे हैं कि एक पेयर प्रेजेंट होता है एलिप्टिकल पिंक कलर के टेस्टिस इन एडल्ट मेल के अंदर एट द मिडल, कहाँ पे? दोनों लेग्स के बीच में, आउटसाइड बॉडी से बाहर, ठीक है, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर, विद इन ए पाउच, एक पाउच के अंदर जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, एक पेयर होते हैं, वन पेयर पाउच के अंदर अटैच रहते हैं। अटैच टू द बॉडी वॉल विद मेसोवेरियम, आउटसाइड बॉडी होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी होते हैं बट अटैच होते हैं बॉडी से, और वो अटैचमेंट जिस बॉडी वॉल से होते हैं उसको बोलते हैं मेसोवेरियम। फिर स्क्रोटम, ये सब टेस्टिस से रिलेटेड ही एस्पेक्ट है। स्क्रोटम इज ए बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है वेयर टेस्टिस लोकेटेड, जिसके अंदर टेस्टिस लोकेटेड रहते हैं। स्क्रोटम हेल्प, अब स्क्रोटम का फंक्शन, स्क्रोटम हेल्प इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करती है। लो टेम्परेचर ऑफ द टेस्टिस का लो टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। बॉडी का टेम्परेचर जो होता है उससे लोअर, यानी 37 के अप्रोक्सीमेट बॉडी का टेम्परेचर, 37.5 लगभग जो बॉडी टेम्परेचर है, फिक्स टेम्परेचर होता है, उससे 2 या 2 से 5 डिग्री, 2 to 2.5 लोअर, उससे 2 या 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर होना चाहिए, यानी अप्रोक्सीमेट कितना, 34.5 to 35 डिग्री सेल्सियस इतना। This temperature is necessary for sperm formation or the process of spermatogenesis. ये temperature क्यों need होता है spermatogenesis के लिए, sperm formation के लिए। फिर है testicular lobules, testis के ही parts पढ़ रहे हैं। In adult male, each testis have about 250 compartments called testicular lobules. अडल्ट ह्यूमन बीइंग के टेस्टिस के अंदर, एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट होते हैं, उन पर कंपार्टमेंट्स को हम लोग टेस्टिकुलर लोब्यूल्स बोल सकते हैं। फिर है डॉर्टस मसल, द वॉल ऑफ स्क्रोटल सैक इज एन इलास्टिक कवरिंग ऑफ थिन एंड हेयरली एंड within it has a thick subcutaneous layer of unstated muscles fiber which is called as Doerr's muscle. kya bol raha hai the wall of scrotal sac, scrotal sacs ki jo wall hoti hai, yani scrotal ki jo wall hoti hai wo kaisi hoti hai, elastic hoti hai aur thin covering hoti hai and hairy hoti hai, hairs present hote hai. Within it, उसके अंदर एक थिक सबक्यूटिनस लेयर होती है, ठीक है, जो अनस्टेटेड मसल फाइबर्स की बनी होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, डॉर्टस मसल बोलते हैं। फिर है क्रीमास्टर मसल, डॉर्टर मसल कनेक्ट विद एब्डोमिनल सबक्यूटिनस मसल नोन एज क्रीमास्टर मसल। डॉर्टस मसल होती है वो एब्डोमिन से, एक सबक्यूटेनस मसल से अटैच होती है, जिसको क्रीमास्टर मसल बोलते हैं। द कैविटी ऑफ ईच स्क्रोटल सैक इज कनेक्टेड टू ए नैरो इंजिनल कैनाल, जो द कैविटी ऑफ ईच स्क्रोटल सैक, दोनों स्क्रोटल सैक, यानी हम लोग बात करते हैं दो टेस्टिस होते हैं तो उनके बाहर दोनों के दो स्क्रोटल सैक कनेक्टेड टू इन नैरो, दोनों कनेक्टेड होते हैं, जुड़े रहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, नैरो कैनाल से जुड़े होते हैं, उनको इंजिनल कैनाल बोलते हैं। तो दोनों स्क्रोटल सैक एक नैरो कैनाल से जुड़े होते हैं, उसको इंजिनल कैनाल बोलते हैं। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ टेस्टिस,
ये थे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। फिर इसके फंक्शन से रिलेटेड की बात, टेस्टिस के अंदर के जो पार्ट थे उनसे रिलेटेड। अब टेस्टिस के फंक्शन, स्ट्रक्चर साइज अप्रोक्सीमेट अबाउट 4 सेंटीमीटर, थिक 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 10 to 15 ग्राम इन वेट। ये इसकी साइज से रिलेटेड है। 4 सेंटीमीटर मोटाई होती है, 2 सेंटीमीटर लंबाई और 15 ग्राम तक वेट होता है। टेस्टिकुलर कैप्सूल, ईच टेस्टिस इज ए कवर्ड बाय ए डबल मेम्ब्रेन कोल्ड टेस्टिकुलर कैप्सूल। एक टेस्टिस एक डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है, उसको टेस्टिकुलर कैप्सूल बोलते हैं। ट्यूनिका वेजिनेलिस, एन आउटर थिन कवरिंग ऑफ ट्यूनिका एल्बिजिनिया इज नोन एज ट्यूनिका वेजिनेलिस। ट्यूनिका एल्बिजिनिया के चारों तरफ एक बाहरी कवरिंग रहती है जिसको ट्यूनिका वेजिनेलिस बोलते हैं। अब ट्यूनिका एल्बिजिनिया क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इनसाइड द ट्यूनिका वेजिनेलिस, वेजिनेलिस के अंदर प्रेजेंट होता है। एंड मेड अप ऑफ द वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइबरस कनेक्टिव टिश्यूज का बना होता है। ये टेस्टिस के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। नेक्स्ट है लोब्यूल्स, ईच लोब्यूल्स कंटेन वन वन टू थ्री हाईली कॉइल्ड सेमी फेरस ट्यूबल्स। एक लोब्यूल के अंदर 1 से 3 सेमी फेरस ट्यूबल होते हैं। और नेक्स्ट है सेमी फेरस ट्यूबल्स, सेमी फेरस ट्यूबल प्रोड्यूस्ड स्पर्म। ये इसकी फंक्शन से रिलेटेड बात कर रहा है, इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो ये स्ट्रक्चर साइज से रिलेटेड, और ये फंक्शन सेमी फेरस ट्यूबल के, स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं। सेमी फेरस ट्यूबल्स इज लाइंड ऑन इट्स इनसाइड, अपने अंदर की तरफ लाइंड होती है बाई टू टाइप्स ऑफ सेल। यानी सेमी फेरस ट्यूबल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं जो दो टाइप्स की सेल्स बनाते हैं, विच आर नोन एज मेल जर्म सेल्स या स्पर्मेटोगोनिया, जिनको मेल जर्म सेल्स, एक मेल जर्म सेल्स बोल सकते हैं और दूसरी सर्टोली सेल्स बोल सकते हैं। तो सेमी फेरस ट्यूबल्स लाइन बाई इनसाइड दो पार्ट्स बनाते हैं, मेल जर्म सेल्स या सर्टोली सेल्स। तो स्पर्मेटोगोनियम भी बोल सकते हैं मेल जर्म सेल को, इनको नर्स सेल्स भी बोल सकते हैं। फिर फंक्शन है इनका मेल जर्म सेल्स का, मेल जर्म सेल्स अंडरगो मियोटिक डिवीजन एंड फॉर्म स्पर्म्स, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो बेसिकली क्या बोल सकते हैं, मियोटिक डिवीजन करते हैं और उससे स्पर्म बनाते हैं। तो मेन फंक्शन हो गया फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल, ये जर्म सेल को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिंग सेल्स, द रीजन आउटसाइड द सेमनी फेरस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड इंटरस्टिशियल स्पीस। सेमनी फेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो स्पीस होता है उनको इंटरस्टिशियल स्पीस बोलते हैं। द इंटरस्टिशियल स्पीसीज कंटेन स्मॉल ब्लड वेसल्स एंड लेडिंग सेल्स। और ये इंटरस्टिशियल स्पीस कंटेन करके रखता है छोटी छोटी ब्लड वेसल्स या लेडिंग सेल्स। फंक्शन ऑफ लेडिंग सेल्स, सिंथिसाइज एंड सिक्रेट टेस्टिकुलर हार्मोन्स कॉल्ड एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरोन। इनका मेन फंक्शन होता है, ये मेल हार्मोन सिक्रेट करता है जिसको टेस्टोस्टेरोन बोल सकते हैं। अदर इम्यूनोलॉजिकली कंपीटेंट सेल्स ऑल्सो प्रेजेंट विच फंक्शन फॉर इम्यूनिटी। इसके अलावा कुछ इम्यूनिटी प्रोवाइड कराने वाली इम्यूनो लॉजिकली कंपिटेंट सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जिनका फंक्शन क्या होता है, बेसिकली इम्यूनिटी प्रोवाइड कराते हैं, यानी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करने का फंक्शन करते हैं। टू काइंड्स ऑफ सेल्स दैट प्रेजेंट इन द जर्मिनल लेयर्स, जर्मिनल लेयर्स में दो टाइप्स की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, यानी मेल जर्मिनल लेयर्स के अंदर बात कर रहे हैं। एक स्पर्मेटोगोनियल सेल्स और दूसरा सपोर्टिंग सेल्स। स्पर्मेटोगोनियल सेल्स का फंक्शन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड फॉर्म स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजेनेसिस फंक्शन करते हैं और स्पर्मेटोजोआ बनाते हैं। दूसरी सपोर्टिंग सेल्स, सपोर्टिंग सेल्स इट इज ऑल्सो नोन एज सर्टोली सेल, इनको सर्टोली सेल्स भी बोल सकती है, नर्स सेल्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। साइज
इट इज ऑल्सो नोन एज सर्टोली सेल्स और नर्स सेल्स, जैसे इनके नाम से ही पता चल रहा है नर्स सेल्स, तो ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराने का, केयर करने का काम कर रहे हैं। साइज फॉर्म्ड विद कॉलमनार लार्ज सेल्स, ये कॉलमनार लार्ज सेल्स से बनी होती हैं। फंक्शन इसका न्यूट्रिशन टू जर्म सेल, जर्म सेल्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराते हैं। सम स्टेज ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड स्पर्मेटोजेनेसिस ऑल्सो कम्प्लीटेड इन दी सर्टोली सेल्स, कुछ स्टेजेस जो होती हैं स्पर्मेटोजेनेसिस की वो सर्टोली सेल्स के अंदर कंप्लीट होती हैं। सपोर्ट द डेवलपिंग जर्म सेल, जो डेवलप हो रही जर्म सेल्स हैं उनको डेवलपमेंट करने में हेल्प करती हैं। डीकम्पोज अनरिक्वायर्ड साइटोप्लाज्म, जो यूजेबल मटेरियल या साइटोप्लाज्म नहीं होता उसको हटाते हैं। ऑफ स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड के अंदर से विच आर डिस्चार्ज ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, जो स्पर्मेटोजेनेसिस के ड्यूरिंग हटा दिया जाता। सीक्रेट प्रोटीनियस हार्मोन इनहिबिन, इनहिबिन एक हार्मोन होता है जो प्रोटीनियस हार्मोन उसका भी सिक्रेशन करता है। इनहिबिन का फंक्शन है कंट्रोल FSH, ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को कंट्रोल करता है। और FSH का फंक्शन क्या है, स्टिमुलेट द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब ये नहीं होगा तो स्पर्म्स फॉर्मेशन नहीं होगी। टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इज मोस्ट ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग मैन, ये नोट है। और ये किस लिए रिक्वायर्ड, इट इज रिक्वायर्ड नेसेसरी दैट टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड फॉर मेंटेनिंग हाई बॉडी टेम्परेचर 34.5 to 35 degrees Celsius फॉर मैचुरेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटोजोआ के लिए। इट इज़ पॉसिबल व्हेन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड द बॉडी, ये तभी पॉसिबल है जब टेस्टिस आउटसाइड होते। नॉट ड्यूरिंग द विंटर सीजन टेम्परेचर ऑफ स्क्रोटम फॉल्स एंड कॉन्ट्रैक्ट, हेंस डोर्टस मसल्स एंड किस मास्टर मसल्स पुल द स्क्रोटल स्क्रोटम एंड टेस्टिस नियर द एब्डोमिन टू मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस, ये अपने टेस्टिस और उसके अंदर पाए जाने वाली कुछ स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स सेल्स के फंक्शन साइज है। इसके बाद में हम लोग उसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे। थैंक यू।